कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल शोभा कुमारी देसी ब्लॉग में। और आज दिन संडे है फ्रेंड, और 5 तारीख है आज। और आज मैं आप लोग के साथ इवनिंग वाली रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो मैं शाम में टी बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, तो उनको पकौड़ा बहुत पसंद है फ्रेंड, तो मैं उनके लिए पकौड़ा बना रही हूँ। मोस्टली मैं कभी कभी पकौड़े बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ बिल्कुल बारिश सा मौसम कर रखा है, बिल्कुल उमस सा, और ठंड में पकोड़े का मज़ा ही अलग है। तो मैं पकोड़ा बेसन से नहीं बनाऊंगी फ्रेंड, दाल से बनाऊंगी। ये मेरी घर की दाल है। और आज मैं आप लोगों के साथ धनिया का पकोड़ा शेयर करूंगी। तो मैं धनिया अभी साफ़ नहीं की हूँ, अब इसे साफ करके आपके से मिलती हूँ। फ्रेंड मैं इसके लिए प्याज 2 लहसुन की गांठ ली हूँ, इसे छील रही हूँ। तो फ्रेंड हमारी धनिया देखिए चॉप हो गई है, और चॉप करके इसमें मैं डालूंगी। तो अभी मैं इसमें फ्रेंड मैं इसे मिक्सी में पीसूंगी, मगर क्रश करूंगी, ये पानी नहीं डालूंगी, बस ऐसे ही पॉप पेस्ट हल्का सा। फ्रेंड देखिए हमारा मसाला पीस गया है, और आप कभी इस तरह मसाला पीसिएगा बिना पानी का। ये मसाला डालने पर सब्जी में या पकौड़े में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं अब इसमें ऐड करती हूँ फ्रेंड। और ये मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और फ्रेंड ये दाल जो मैंने फुलाया है, इसे भी इसको मैं डालूंगी। तो मैं साफ करके मैं फूलने दी थी फ्रेंड, तो इसमें भी पानी नहीं डालूंगी, ऐसे ही इसे ड्राई चलाऊंगी। तो इसी तरह देखिए इतना मोटा मैं इसको पीसी हूँ। इसी तरह मैं सारे दाल को पीस लेती हूँ। दाल पीस के रेडी हो गया है, तो हल्दी डाल देंगी, थोड़ा सा मैं जीरा गुलकी का पाउडर डाल रही हूँ, और नमक स्वाद अनुसार मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड। इसे मिक्स करते करते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अब हम पकौड़ा बनाते हैं। मौसम में पकौड़े के मजे ही हैं। तो फ्रेंड ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना, और आप भी कभी इसे ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा धनिया पत्ता आप दीजिए, और तो फ्रेंड मैं और भी पकौड़ा तल लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और हमारी चाय बन रही है फ्रेंड, हमारा पकोड़ा बन गया है, और यहाँ प्लेट में निकाल दी हूँ। इसमें मूली का अचार है, गांजा है, और बच्चों के लिए सॉस है। इस तरह कभी बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। आप भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। अभी तो मैं बना रही हूँ, और वो लोग उन लोगों का हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।